Assalamu alaikum friends, today we have the special guest Ibrarul Haq, the Pakistani singer. Assalamu alaikum Ibrar sahab. Wa alaikum assalam. Ibrar sahab, main aapse jo overseas Pakistani hai, jo Pakistan se bahar migrate hue hain, Europe mein, USA mein, Canada mein ya America mein, कुछ ही साल पहले आपका एक बहुत अच्छा गाना आया था परदेसी हो यूं वे, तो उस स्पेसिफिक जो आपका गाना है उसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा कि आपका जो मैसेज है या ये जो गाना है किसने लिखा है। सबसे पहला सवाल तो ये कि ये किसने लिखा है। बहुत शुक्रिया। गाना तो मैंने खुद ही लिखा है जी, और उसमें पैगाम सिर्फ यही है समंदर पार पाकिस्तानियों को कि आपको बहुत याद किया जाता है पाकिस्तान में, और उसमें जो हर घर का एक मामला होता है कि लड़की के साथ मंगनी होती है और लड़का यहाँ पर होता है और वो इमिग्रेशन के चक्कर में होता है। और इस गाने का जो पूरा एक थीम है ना, स्पेसिफिक जो स्टार्ट जिस तरह होता है कि उसमें किट्ठे गई पिंड दी टारियाँ बेरियाँ मीन, वो एक गांव की जो स्टोरी है वो बयान की जा रही है, और उसके बाद जो है वो जहाज के बारे में बताया गया है कि तेरी ये इमिग्रेशन लड़िया सानू मार गई। हाँ, तो ये जो थॉट्स हैं ये कैसे आपके ब्रेन में डेवलप हुए, क्या सोचकर आप? देखें, वो आपके दोस्त होते हैं मुल्क से बाहर, आप उनसे मिलते हैं, उनके मसाइल को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, फिर आप सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा एक खूबसूरत कल्चर है, सकाफत है जिसमें हम रहते हैं, और फिर जब लोग यहाँ से छोड़ कर जाते हैं तो प्रदेश बजाते खुद एक रोग है कि अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपने कल्चर से, अपने गांव के उस दरख्त की छाँव से दूर चले जाना बजाते खुद एक दुख की बात है। कोई भी मुहर्रिकात हों उनको जो मुल्क से बाहर ट्रैवल करने पे मजबूर करें, तो अपना देश तो याद आता है, तो इसलिए एक ये गाना लिखा गया था कि मैंने बहुत इस पर ज़्यादा थॉटफुल अगर मैं कहूँ तो वो मैं नहीं था, मकसद यही था कि अपने मुल्क को याद रखें, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने मुल्क को, उसके कल्चर को याद रखें, भले ही वो एक गाना हो उसी के ज़रिए क्यों ना हो। और जब भी मैं इसको परफॉर्म करता हूँ मेरी कोशिश होती है कि वो लोग थोड़ी देर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स शेयर कर लें और पाकिस्तान को याद कर लें। जहाँ भी जो समुंदर पाकिस्तानी हैं वो अक्सर ये गाना सुनते हैं तन्हाई में, चूँकि उनको अपने वतन की याद आ रही होती है, अपने गांव की या उस मिट्टी की, तो उनमें से अक्सर सम टाइम रोना भी शुरू कर देते हैं कि एक आपके जो गाने का एक थीम है उसमें गांव का थोड़ा दिखाया टच गया है, इसके अलावा जो फैमिली लाइफ है वो दिखाई गया है। क्या ये गाना आपने माइग्रेट कहीं होने के बाद जाके लिखा, ये जो आर्ट्स डिवेलप हुई या दोस्तों की कहानी सुन के? नहीं, जाहिर है मैं तो माइग्रेट होने का कोई प्लान नहीं रखता, अल्लाह ना कि मैं कभी हूँ, ये तो दोस्तों को देख के, उनकी कहानियाँ सुन के और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं परदेसियों के वो सुनने के बाद ही मैंने लिखा था। और अगर वो रोते हैं तो रोना एक बड़ा भला अमल है, मैं कहूँगा, किसी को अपने कल्चर को, अपने इलाके को, अपने लोगों को, अपनी माँ को, अपनी मिट्टी को याद करके रोना जो है वो एक बड़ी मुझे पाकीज़ा सी सा अमल लगता है। मैं समझता हूँ कि याद रखना चाहिए अपने मुल्क को, जिस मुल्क में आप काम करते हैं उसकी भी खैर मांगनी चाहिए, और जिस मुल्क से आप आए हैं उसकी भी खैर मांगनी चाहिए। तो ये तो मैंने, और फिर मैंने बड़ी जगहों पे परफॉर्म किया, और मैं शरारत किया करता था, लाइट्स ऑन करा लेता था सारे हॉल की, फिर लोगों को मैं रोते हुए स्पॉट करता था कि वो आंटी रो रही हैं, वो रो रही हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको जज्बाती हो जाते थे, और वो उसकी इमेजिनेशन में मैं एक परदेसी बन के तो मैंने लिखा था। फिर कभी मैं अपना परदेसी का भाई बन के और उसका बाप बन के, इस तरह सोच के ये लिखा था, तो फिर एक अच्छी चीज़ लिखी जाती है। अच्छा, जो समुंदर पार पाकिस्तानी है यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में, या कहीं भी पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, और जो स्पेशली फैमिली के बगैर रह रहे हैं, मोस्टली लोग आजकल फैमिली माइग्रेट हो चुकी है, लेकिन ऐसे लोग जो फैमिली के बगैर रह रहे हैं जिनका दोस्त अहबाब भी वहाँ परदेश में है साहब, उनके लिए भी आपका खसूसी मैसेज और इस गाने के हवाले से भी थोड़ा सा? देखिए, मैसेज मेरा ये है, एक तो क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के जहाँ पे भी हैं, जब आप किसी और मुल्क की नेशनलिटी के दोस्त से मुलाकात करें, कोशिश करें कि आपके अपने मुल्क की इज़्ज़त कायम रहे, जहाँ भी जाएं अब मुल्क का नाम आए तो उसका झंडा बुलंद रखें,
جب ضرورت پڑے، کیونکہ وہ آپ کا ایک انفرادی عمل نہیں ہوتا، وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں اور سارے پاکستانی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جہاں جائیں آپ کے عمل سے آپ کے ملک کی عزت بنے، اس کی عزت خراب نہ ہو، یہ میرا پیغام ہے ان کو۔ اور باقی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی بھی، یہاں بھی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اس ملک کا بھی خیال کریں اور پاکستان کو بھی یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔